नमस्ते जी, मैं डॉक्टर सुनील आर्य है और ये हमारी गाड़ी आ गई है लखनऊ से, जिसमें देसी गोमाता के बने हुए दीपक जो कि अयोध्या में जलाए जाएंगे वो इस गाड़ी में ही जा करके अब ये लखनऊ के लिए रवाना होने वाले हैं। तो हम यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना करेंगे। क्या नाम है जी आपका? कैलाश कुमार जी। कैलाश कुमार जी, आप सीधे लेकर के जाएंगे इनको लखनऊ डायरेक्टरेट में, ठीक है? ये पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, तो कान्हा गौशाला फतेहपुर और ये हमारी जो आर्ष गौशाला दिल्ली में एक देसी गाय के गोबर से दीपक तैयार कराए हैं। तो ये सारे के सारे दीपक इस बार अयोध्या में जगमगाएंगे। तो जो स्लोगन हमने दे रखा है कि अब की बार दिवाली गौमाता वाली, उसकी शुरुआत माननीय पशुपालन मंत्री श्री धर्मपाल जी के द्वारा हुई है। हमारी बैठक उनसे हुई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस प्रकार से जो है अयोध्या में इस बार गौमाता के बने हुए दिए जलाए जाएंगे। और आज पहली खेप दिल्ली से हम भेज रहे हैं अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि पर, वहाँ पर चकाचक जो रोशनी की जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, उसमें गाय के गोबर के बने हुए दीपक वहाँ पर जलाए जाएंगे। ये दीपक जो है, तो इस बार हमने संकल्प लिया था कि अब की बार दिवाली गौमाता वाली, तो उत्तर प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, राजस्थान सरकार से और हरियाणा सरकार से भी हमने निवेदन किया कि जहाँ जहाँ भी सरकारी जो आयोजन हो कम से कम वहाँ गाय के गोबर के बने दीपक जलाए जाएँ। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी श्री धर्मपाल जी को और माननीय विधायक नवाबगंज श्री डॉक्टर एम पी आर्य जी को कि उनके प्रयासों से ये कार्य सफल हो पा रहा है और जो गौशालाओं के अंदर दिए बनते हैं वो धीरे धीरे लोगों के घर तक पहुँचेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और गौशालाएँ हमारी स्वावलंबी बनेंगी, गाय गौमाता के गोबर से बने हुए दीपक घर घर में जलेंगे तो घर के अंदर भी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो सभी का फायदा है। आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इस बार दिवाली गौमाता वाली ये जो नारा है इसको स्वीकार करें, अपने घर में जहाँ भी मौका मिले, जहाँ से भी अवसर मिले, गौशाला के बने दीपक खरीदें और अपने घरों में जलाएँ। धन्यवाद। जय गौमाता।